आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 / -a मल्टीप्लाइड बाई 1 - b प्लस ए स्क्वायर बाई ए माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए माइनस बी स्क्वायर होल बाई बी स्क्वायर माइनस वन सॉरी बी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। तो इसका सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहले सॉल्यूशन निकालेंगे फिर देखेंगे कौन सा सही है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें पता है कि यहाँ पर प्लस माइनस है, तो मतलब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स पे जो भी टर्म्स है उनका हम एलसीएम लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्स टर्म्स है, टोटल सिक्स टर्म्स, पर असलियत में यहाँ पर तीन ही टर्म्स है, 1 - a, 1 - b एंड a - b। क्योंकि यहाँ पर 1 - a, यहाँ पर 1 - a है, वहां पर 1 - b है, यहाँ पर b - 1 है, हम माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 - b ही रहेगा। यहाँ पर a - b है पर यहाँ पर b - a है, तो माइनस कॉमन ले लिया तो यही a - b बन जाएगा। तो मतलब यही तीन टर्म एक्चुअल में है, तो हम पहले इन तीन टर्मों के रेस्पेक्ट में ये सब चेंज कर लेंगे माइनस प्लस बिठा, फिर हम उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो पहले हम क्या देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा टर्म है। तो यहाँ पर 1 - a, 1 - b है, तो ठीक है यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 - a है पर a - b की जगह b - a है, तो हम माइनस वन से ऊपर नीचे मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में एक मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पर पहले वाले में हमें मिला 1 - a मल्टीप्लाइड बाई 1 - b, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं किया, इसके लिए हमने मल्टीप्लाई किया माइनस वन से, तो हमें मिला -a² 1 - a जैसा था वैसे ही रखेंगे पर इसको चेंज करेंगे, माइनस वन से मल्टीप्लाई करके a - b बना दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं b - 1 है, हमें चाहिए 1 - b, तो हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a - b जैसा है वैसे रखेंगे। अब यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर रहे उसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं माइनस से या फिर यहाँ भी प्लस बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर प्लस बना देते, यहाँ पर 1 - b और a - b। अब हमारा सब कुछ इन तीनों के जैसा हो गया, तो एलसीएम मिले में आसानी हो। तो हम अगर a - 1 - a ले लिए, 1 - b ले लिए और यहाँ पर a - b ले लिए, तो यहाँ पर 1 - a अभी से है, 1 - b भी था, तो यहाँ से लेना पड़ेगा a - b। a - b यहाँ पर आया, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो दोनों को मिला के हम यहाँ पर माइनस बिठा देंगे, तो प्लस की जगह यहाँ पर माइनस होगा, तो -a² अब देखेंगे यहाँ पर 1 - a था, a - b भी था, 1 - b मिसिंग है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर b² है तो b² को रखेंगे, 1 - b और a - b यहाँ पर ऑलरेडी है, 1 - a मिसिंग है तो हम 1 - a से मल्टीप्लाई करें। अब हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, हम ऊपर का मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे फिर नीचे का देखेंगे। तो यहाँ पर ऊपर से मिल रहा है हमें a - b, -a² से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो -a² + a², फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे +b² - ab² नीचे जो भी है हम उसको लिख देते हैं। अब हमें देखना है कि यहाँ पर से कौन सा कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं ये नीचे का जो लिखा था उसको हम सिंप्लीफाई कर भी लेते हैं, नीचे जो भी लिखा था हमारा वो उसको सब सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे का अगर ऊपर को हमें सिंप्लीफाई करना है तो हमें मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में जाना होगा या फिर नीचे को हमें सिंप्लीफाई करके एक्सपेंड करना होगा, तभी ऊपर को नीचे से मिल जाएगा। हम यहाँ पर कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन, ऊपर मल्टीप्लीकेशन किया तो पहले इन दोनों का करते हैं, तो हमें मिलेगा 1, इस 1 से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो 1 - a मिला, -b से किया तो -b + ab। अब इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कर देते हैं, हम अलग कलर यूज करते हैं, a से मल्टीप्लाई करेंगे हम ये पूरा ये टर्म, तो हमें मिलेगा ये -a² - ab + a² b। अब -b से करेंगे तो -b
माइनस ए बी सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी भी कट जाएगा और हमें मिलेगा और कुछ नहीं कटेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मिलेगा ए माइनस बी, ये हो गया, ये हो गया ए माइनस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम लेंगे प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, फिर होगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर भी जो था वही नीचे आ गया, स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, नीचे भी सेम चीज ही आ गया है ए माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ये पूरा कट जाएगा तो हमारा आंसर वन आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन वन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो ये हमारा सही आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।